हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ टू बी ऑनेस्ट का एपिसोड नंबर शायद 20 है एंड इट इज़ फीचरिंग नादिर अली फ्रॉम पी फॉर पकाओ. एंड यू गाइस नो हाउ मच आई लव हिज प्रैंक्स. इट इज़ जनरली वेरी डिफिकल्ट टू मेक मी लाफ एस्पेशली ऑन वीडियोज. मैं इतना ईजिली हंसती नहीं हूँ but I used to watch his, not watch, we used to react on Nadir Ali's pranks and those used to be so hilarious. मुझे इतने ज़्यादा पसंद है उनके pranks and I'll be honest, even though मैंने बीच में reactions बंद किए थे या फिर अभी भी start किए but I'm not reacting to pranks yet because I'm not sure if you guys want it. बट मैंने बीच बीच में काफ़ी सारे प्रैंक्स एनी वे देखे हुए हैं बिकॉज मुझे खुद को पसंद है. हाउ कुड आई नॉट वॉच दैम. बट अभी मैं इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाली हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग. इट इज़ ऑफ 32 मिनट्स. सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ओरिजिनल लिंक इज इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एंड नाउ लेट्स बिगिन. शोर करो सारे. बस भाई बस, तालियों की बहुत ओवर एक्टिंग हो गई. सबको पता होता है जो शो देख रहे होते हैं ये तालियां बजवा रहा है कोई. क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने करियर का आगाज किया फिटनेस. प्रोफेशनली पिटते हैं वो. बुलाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर नादिर अली. कैसे नादिर? वेलकम टू द शो. बैठे. थैंक यू सो मच. भाई वाह, भाई वाह. थैंक यू सो मच. शादी का गरारा पहन के आप आ जाए. आज देखे अपनी अम्मा का जहेज का बक्सा खोल के आ गया हूँ. मुझे किसी ऐसा लग रहा है किसी बुजुर्ग की कब्र है. दुआ करने का दिल चाह रहा है. इतनी जल्दी चादरें होती है. जल्दी से कर लो, कबूल हो जाएगी. हाँ. नादिर कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए. एक कैमरा लगा, इसको देख के हाथ हिलाएं. अस्सलाम वालेकुम. नहीं, हाथ हिलाएं. थोड़ा सा मजाक किया था आपके साथ. चलो भाई असली गैस बुला लो आप. भाई अल्लाह का लाख बात पिछले. मैं एक बात बताता चलूं आपके बोलने से, कुछ भी बोलने से पहले, कि मैं इस शो का फैन हूं. मैं चाहता हूं इन लोगों के लिए तालियां बजाइए. अपना बासित देख रहे हो तुम. आते ही लेवल करने की कोशिश की लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो पहला सवाल, क्यों आए हो यार? तो आपने बुलाया तो आए. ऐसी क्या बात है? अच्छा, आपने मिल गया होगा. बड़ी इज्जत से प्यार से बुलाया. अच्छा नादिर, आपको कहते हैं कि आप मॉर्निंग शोज की क्वीन है. अबे भाई, अबे ये अगले गेस्ट के सवालात कर रहा है मुझसे. भाई नादिया खान के सवालात याद रखे हैं यार. शाइस्ता लोधी आपको कंपटीशन देती हैं? नहीं शाइस्ता भाई. अबे ये मेरा ख्याल है जेल के साथ साथ दिमाग भी सुकड़ गया दोबारा. फैन तो बहुत है, लाखों करोड़ों फैन. एक अरब तो लोग देख रहे हैं. कोई हजारों चीजें ऐसी होंगी मगर सबसे वेयर्ड चीज क्या की फैन ने? यार बहुत सारी चीजें, बाजों का गुस्सा भी आ जाता है. सबसे वाली वियर्डेस्ट गालियां दे दी थी. ये तो नॉर्मल. और नहीं नॉर्मल यार, अभी कोई 3-4 टिका के गालियां दूं. अच्छा अच्छा बंदा तड़प जाता है यार, किस बात पे दे रहा है भाई? मुझे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं. लिटरली वो पीछे से कोई दोस्त यार रिकॉर्ड कर रहे थे और वो मैंने कहा यार ये, फिर बोल रहे नहीं नहीं नादिर भाई हम तो मजाक कर रहे थे. फिर उसके बाद सच्ची वाली मैंने दी उसे. मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा. नादिर ये जो, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं. मैं जा रहा रोड से ना, मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं जा रहा, अचानक एक गाड़ी आई और उसने ड्रिफ्ट मारते हुए मेरे बिल्कुल सामने लगा दी गाड़ी. हाँ. मैंने इमरजेंसी ब्रेक लेके होगा. मैं कहा क्या हुआ? अब वो सारे यूं यूं कर रहे हैं अंदर से और मैं यूं यूं कर रहा हूँ. कंजर आदमी तुम लोग तो डैडी मेड हो. यहाँ से मेहनत की कमाई है. बिल्कुल सही बात. समझ रहे बात को? सही बात. मशहूर लोगों के साथ क्या क्या वाक्य होते हैं. लोगों ने देखे यूं यूं कर रहे, मुझे देखे तो लोग करते हैं. निकल. लगता तो नहीं है कि किसी को हुआ होगा मगर आपको तो हुआ होगा प्यार. प्यार बिल्कुल हुआ है मुझे. आज से प्यार हो गया. आज कि अगर मैं लड़की होता तो मैं आज आपको, आज मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रपोज कर देता. प्रपोज कर देता. तो आपने प्यार सोचा, आपने क्यों सोचा कि आप लड़की होते इस काम के लिए? बिल्कुल प्यार हुआ. प्यार हुआ, इकरार हुआ. उस शादी के बाद अबरार हुआ, सत्तार हुआ. अभी तो शादी हुई है भाई. शादी हुई है, इंशाल्लाह हो जाएगा. हो जाएगा, हो जाएगा. शादी के बाद जो होता है जी, वलीमा. वलीमा
जो वो पूछ रहे शादी के बाद ही जो होगा आप पहले हो गए शादी से। बहुत टेक्निकल बच्चा है, बहुत जल्दी में था, बहुत जल्दी में था, पहले आ गया अम्मा अब्बा की शादी में, कन्नाते लगा रहा था, वापस गया, क्या लगा यूं आ गया, अरे मैं कहाँ आ गया, फिर वापस गया। बाद में बहुत फास्ट बच्चा है, बहुत फास्ट बच्ची हो। कभी सही है बेटा, डोज मिल गई, चल अरे सहला लो। नादिर कभी इतना पैसा आ चुका है? अरे नहीं भाई नहीं, नो नो। एक हमारी टीचर थी वही करती थी, नो आप बदतमीजी कर रहे हैं, नो वही चीज मैं कह रहा हूँ, नो पैसा नहीं आया, पैसा आएगा इंशाल्लाह। हीरे लगी हुई जैकेट आप पहन ना भाई, दुनिया में हर किसी की ख्वाहिश होती है यार पैसा आ जाए तो कोई पावर भी आए यार साथ में, पावर बड़ी जरूरी होती है ना, पैसा आ जाए तो पावर आ जाती है। किस किस्म की पावर चाह रहे पाकिस्तान में पैसा? वही 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 ये पूछना चाह रहा हूं, क्या पावर चाह रहे हो? सुपर पावर अगर मिले कोई तो क्या लोगे आप? यार सुपर पावर मिले तो मतलब मुझे कुछ लोगों पे चार्टर ड्यू है मेरे, मैंने कुछ लोगों को पीटना है अनऑफिशियल, बस बस मुझे इजाजत दी जाए खोप से, भाड़ भाड़ भाड़, बस ये पावर चाहिए। कौन है वो लोग, कौन है वो लोग, कौन है, मर क्यों नहीं जाते? नहीं मर तो नहीं, दुआएं भी किए नहीं मर रहे भाई, दुनिया में स्टे लेके आए मैं, और बस यही पावर है और क्या है। कौन है वो लोग जिनको मारना है? नहीं मैं कुछ लोग है जो इरिटेट करते हैं ना, बेगम और है? बेगम नहीं नहीं बेगम भाई देख रही है, बेगम तो समझ लें कि बहुत प्यार करने वाली चीज है, और अगर आप, मैं समझता हूँ, देखिए सच्ची बात बताऊं, लकी आदमी वो है जिसको अगर प्यार करने वाली बेगम मिल जाए ना, जो आपको प्यार करे, मैं समझता हूँ उसकी तो दुनिया किसी की भी हो वो बेगम। तो आप ये चाहते हो चंबे, चंबे की पावर चाहिए आप? हाँ तो ये तो पावर है ना, क्योंकि जितना मैं पिटाऊ ना बहुत, आप ये देखें कि अराउंड कोई 1000 के करीब प्रैंक्स किए हैं, समझ रहे हैं बात को, 1000 के करीब, तो उसमें करीब आ जाते ना। नहीं नहीं इतना करीब ना हो, दूसरा शो शुरू हो जाएगा भाई। बात ये है कि उसमें आप ये एवरेज लगा लें कि एक प्रैंक में दो चमाटे, पर प्रैंक दो चमाटे, पर प्रैंक दो चमाटे, 1000 प्रैंक्स किए हैं, 4 बंदों से प्रैंक करता हूँ तो 4000 ये होगा, 4 × 2 8000 चमाटे खा चुका हूँ, 8000 चमाटे, 8000 चमाटों के बाद ये कोट खरीदा है, 8000 चमाट और जनाब। तो आप जब कोई प्रोड्यूसर फोन करता है भाई क्या लोगे इस शो को, तो आप कहते हो भाई 3 चमाट कर दें। हाँ बस आप ही कह रहे हो जिम कैरी, थैंक यू। अच्छा नादिर होता है कुछ लोगों में हैबिट होती है, कुछ लोग आवाजें निकालते हैं, कुछ लोग गंदी हैबिट्स होती है ना, लोग थूक फेंक देते हैं, कुछ लोग कोई है ऐसी आदत, गंदी आदत? यार गंदी गंदी नहीं मैं वेयर्ड कह लें आदत, मैं बाथरूम का गेट बंद नहीं करता। अच्छा ये मेरी वाइफ बहुत नवाजी है। हाँ नहीं नहीं ये है बाथरूम, मैं गेट पूरा खुला हुआ है और अंदर आपका भाई बैठा हुआ ना, फुल हॉलीवुड चल रहा है बड़ा बड़ा बड़ा, लेकिन ये चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूर करूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। मतलब लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, आप करते रहते हैं? नहीं लोगों को आप पता बैठे हो बाथरूम में। अच्छा मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस उनकी अगर हिम्मत है तो आ जाए। सही है ठीक। बात यह है कि सबको पता है कि ये गेट खोल के करता है, इवन मासियों को भी अब पता चल गया है, वो वहां पे पोछा ही नहीं लगाती जहां पे माता को। मुझे बड़ी हैरानी है। किस बात पे? कि आपकी शादी भी हुई? शादी हो गई है? हो गई है। हाँ क्यों, आपके पास कोई ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन आप करवा, चार जायज है, चार जायज बिल्कुल जायज है, लेकिन जो अभी हुई हुई है उस पर बात करेंगे। कैसे कैसे हो गई? गए होंगे रिश्ता लेने, वो बोले होंगे भाई कहाँ लगेंगे कैमरे यार, ये लड़का अभी खड़ा हो जाएगा, क्या हुआ? हुआ ये कि वो फैन थी मेरी, सिर्फ फवाद खान आतिफ असलम पे नहीं लड़कियां मरती। नहीं है भाई मैं बतला दूं आपको, इश्क तो खोती से भी हो जाता है, ये कहते हैं ना लोग। नहीं वो कहते हैं दिल आए घड़ी पे तो परी क्या चीज है, ये मिसाल है, लेकिन लंगूर मैं हूँ इस केस में। भाभी की बात कर रहा था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज में, मैंने बल्कि एक इटली में बड़ी अच्छी एक वो जो है ना वेनिस में वो पुल वुल आते हैं पुलिया वगैरह उस पे खड़े होके बातों में यूरोप का ट्रिप भी बताया। हाँ शो ऑफ की थी। बड़ा एक अच्छा था ना, मैंने यू करके तस्वीर डाली तो नीचे कमेंट आ रहे हैं हूर के साथ लंगूर। हाँ ये मैंने देखा, समझ रहे बात को, और मीम्स भी बड़ी बनी थी। मैंने कहा यार जल रहे हैं लोग, जल रहे। बात यह है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार यू आर डूइंग फैबुलस वर्क, सुपर्ब कॉमेडी, बहुत सेक्सी लगते हो। हाँ नहीं सेक्सी बस ये बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी मजाक कर रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कौन है क्या है,
बोली मैं ये हूँ वो हूँ, उसके बाद होती गई बातें, चलता गए, फिर हम कब सीरियस हुए, कब शादी का रिश्ता भेजा, कब शादी हो गई। तो क्या नशे कर रहे थे भाई? नशे कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा। आज आज वो शादी बहुत बड़ा नशा, बहुत बड़ा नशा। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, शादी 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 इम्पोर्टेंट चीज है हर बंदे के लिए, और शादी के बाद मैं समझता हूँ कि आपका नसीब बदलता है। और अच्छा मैं, या मैं बुरा ये पता नहीं, नहीं हाँ ये भी है, ये भी है, अप डाउन होती है। मेरे लिए तो इस चीज में अच्छा ही रहा, अच्छा ही वारंटी में है ना शादी, अभी तो 2-3 साल ही हुए, अभी तो वारंटी में है शादी, वारंटी में। अभी तो पता चलेगा मियाँ जब आएगा काका, फिर पता चलेगा। एक तो बराबर में ही बैठा है काका, मैं हूँ, मैं पहले आ गया हूँ, मैं भी ना के समझाऊंगा भाई, इस तरह आएगा है यार। आप खामोशी से बैठ जाओ, मैंने टीप लिया है इस पे, लाइटें मारो बंदे पे, ये बाहर मुझे ये बंदा चाहिए। ये लाइटें पड़ रही उस पे तो इतना नजर आ रहा है, और आप पैंट झाड़ के पहन के आओ, कुछ तंग कर रहा है आपके अंदर। अच्छा नाते कोई दूसरी जुबान भी बोल लेते हैं? यस, मैं गंदी जबानें बहुत बोल लेता हूँ। नहीं मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं सरायकी बोल लेता हूँ। अरे नाइस। और मैं अक्सर अपने प्रैंक में सिंधी में जरा हले बाबा इकड़ा गलो में दायो श्यामणी था चिड़ी कटी था बाबा छा हले बाबा तुंजा नालो छाए तुंजा पियो जा नालो चाहे भोलड़ो आए, ये सब कुछ कर देता हूँ। 4-5 मिनट सिंधी विंदी सुन रहे होते, बाबा तुम मजाक उड़ा रहा है क्या? ये तो आई नहीं सिंधी। मैंने कहा बाबा जरा मजाक कर रहा हूँ, पश्तो में संगे देर लोर लई खुश देर कुछ लाख पिशेवर कोयटा औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी कटी पाड़। वाह ये हो गए एक्सेंट एक्सेंट, जैसे अरबी में तुन रुन डाल ले आप, एंड में अरबी हो गई है। वैसे उर्दू ही है? उर्दू उर्दू खालिस पूरी बोले। इर्तिकास का क्या मतलब होता है? इर्तिकास का मतलब ये कौन सा लफ्ज है? इर्तिकास, इर्तिकास का मतलब है कि आप यहां से मुझे बहुत अच्छा चेक देंगे। ये इर्तिकास इसका मतलब खुशफहमी है। अच्छा तो मशहूर ना होते? मशहूर ना होते क्या होते? फल वाली बेच रहे होते, सच्ची बात तो होता है, क्योंकि कोई ना इतनी एजुकेशन है ना कुछ, वो देखे तो असफर भाई पीछे हंस रहे, क्योंकि असफर भाई भी अगर ये नहीं होते वो भी फल बेच रहे होते। बराबर का ठेला होता, बराबर वाला ठेला, और मुकाबला चल रहा होता यार, देख मैं किस तरह पिच दे रहा हूँ। बस ये है कि समझ ले लॉटरी निकल गई यार। मैं समझता हूँ मुझसे अच्छा बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला का करम है, ऑडियंस का प्यार है, बस दैट्स इट। अच्छा ये क्लैपिंग लेने वाले रिवायती जुमले नहीं बोलने? बिल्कुल बोलूंगा, नहीं नहीं भाई, ताकि मैं एक अच्छी वो एक साथ साथ चले ताबी शाश भी एकदम ना खोलो मुझे, ठीक सब चीजें चलनी चाहिए। शो में बनियान में बैठे हुए होस्ट और गेस्ट दोनों आखिर में। हाँ और भाई नादिर क्या चल रहा है? जब आप चले जाएंगे शो से? नहीं कहाँ जाएंगे भाई, सबने जाना है भाई, एक ना एक दिन सबने जाना है। अल्लाह ना करे भाई, आप अल्लाह ना करे क्या मतलब है यार? मतलब क्या मतलब है, हमें क्यों भेज रहे हो भाई? भुट्टो हो गया आप? भुट्टो की बात दी है, बात ये है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी है, अभी है कोई 60-70-80 साल है, तो उसके बाद तो जाना होगा ना यार। देखेंगे स्टे लेके आया हूँ मैं, देखेंगे क्या मतलब आपके ऊपर है क्या? मैं नहीं जा रहा भाई, कल आना, ऐसे थोड़ी होगा, जाना है, वो आएंगे चले गए। अच्छा अभी चले गए 10 मिनट बाद आप चले गए, मसला हो जाएगा, शो खराब हो जाएगा। अच्छा आप 1 घंटे बाद जाओ? हाँ शो के बाद जाओ आप 1 घंटे बाद चले गए। हाँ तो फिर क्या चाहते हैं कि जब चले जाएं तो लोग कैसे याद रखें? अबे यार क्या बोले इसके बाद? प्रैंकस्टर था, एंजॉय कराता था, हंसाता था, फैमिली कॉमेडी करके, बस यही चीज है। मैं बोले ताबिश हाशमी, देखो मेरी बात सुनो, बात पता क्या है? बात ये है कि गंदे फिक्रे से हंसा तो सभी देते हैं, वाह, और मैं समझता हूँ वो कॉमेडी नहीं होती है। असल चीज ये है कि आपको फैमिली एक साथ बैठ के देखे, और आप शुगर कोटेड साफ सुथरी सटायर इस तरह की कॉमेडी करें और अवामी मसले बताएं, तो मैं समझता हूँ ज्यादा आवाम रिलेट करती है। अवामी मसले भी इतने गंदे हैं बताते हैं तो लोग कहते हैं यार ये बातें क्यों बता रहे हो आप? तो आवाम बहुत इंजॉय करती है। अभी जैसे बारिश पे आप उस पे ह्यूमर बना दें, और एक आदमी ने बनाया भी था तो उसका बहुत चला, क्योंकि रिलेट कर रही है आवाम, तो ये चीजें बहुत चलती है। जैसे मेरी वीडियो आती है, जाहिर बात है मैं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए काम करता हूँ, बच्चों के लिए काम नहीं करता, उनके लिए घर पे काम करता हूँ, कभी जानवर के बाद 2 बच्चे मेरे, तो बता लोग नीचे मैसेज कर रहे होते हैं यार ये आपकी कॉमेडी अम्मी के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती। कुछ कौन लोग हैं जिनको कॉमेडी देखते वक्त अम्मी का ख्याल आता है? नहीं यार अम्मी के साथ बैठ के देखता हूँ, ये कौन होते हैं भाई? वैसे अम्मी के साथ नहीं बैठता कोई, बस ये कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। हाँ
हटती है, हर चीज पे कीड़ा निकालना जरूरी होता है कि भाई ये खुद तो कुछ करना नहीं है। अच्छा स्कूल गए, स्कूल गए, स्कूल वाले घर भी आए, घर भी आए, घर भी आए कि भाई ये क्या आइटम भेज दिया। अच्छा आपको मजे की बात है, स्कूल में इसलिए तो लाए, बहुत शरारती थे, इंतहाई दर्जे के शरारती, कौन मिसों को चौके मारने वाले बंदों में। अब मिसों को चौके मार दी, मिस नीचे बहुत तेज है, बहुत बहुत तेज है लड़के, नीचे मैडम आ रही है चलती हुई। अब मैडम इतनी एक्सपीरियंस, उन्होंने कुछ नहीं किया, पीछे की रॉ से पांच छह कान से पकड़ के उठा लिए। हाँ, रैंडम उठाते हैं, रैंडम तुम ही हो, कन्फर्म है, नीचे चलो रैंडम। अब हमें उन्होंने ये बोल दिया उड़ती उड़ती आई कि टीसी देने वाली है हमें इस बात में। अच्छा अब ये टीसी वाली बात में हम सीरियस हो गए, हमने कहा भाई गेम उल्टा हो गया। अब उनमें से टीचरों में से एक टीचर पसंद करती है, उन्होंने कहा सॉरी लिखो हजार दफा, आधे घंटे बाद ना वही टीचर आए, हाँ लिख रही हो, मैंने कहा जी जी बस ये 900 हो गई है, रह गई 100 रह गई है, वो कर बोलिए दिखाओ। अब उन्होंने देखा ना, उन्होंने यू लाना दी, बोली सॉरी की स्पेलिंग गलत लिखी। आप यकीन करें, मैंने कहा मुझे कोई नहीं बचा सकता टीसी से, क्योंकि उनकी भिन हो जाएगी। अच्छा सॉरी की स्पेलिंग गलत। आप लाइफ में किसी की टीसी करते, मतलब लाइफ में जो है सॉरी पहले, घर में सॉरी पहले कहते हैं या भाभी पहले कहती है? सॉरी ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स भाभी, ऑफ कोर्स भाभी। यार हमारे स्कूल में ना एक चीज, हम ऑल बॉयज स्कूल था, जंगली 3000 लड़के एक साथ पढ़ते थे, 3000 लड़के। सही है, वो हमारे लिए, हमें लगता था कि औरतें सिर्फ टीचर होती हैं या माँ होती हैं या बहनें होती हैं, हमारे लिए कोई और रूप ही नहीं था औरत का, क्योंकि सुबह से शाम तक का स्कूल था भाई। अच्छा स्कूल में क्या होता था, केनिंग, सजा मिलती थी अगर बहुत बड़ा क्राइम किया आपने तो, आपके ना पढ़ते थे पीछे पट करके डंडे हेडमास्टर के कमरे में। मैं रेगुलर कस्टमर था, मैं रेगुलर कस्टमर था। एक हमारे टीचर थे जो खुद गुटखा खाते थे, ओ रखते थे पुराने थे, और वो एक दिन क्लास में आए, आप में से जो गुटका छालिया खाता है मुंह में दबाव है बाहर आ जाइए। सही है, अपने वो इस तरह के टीचर थे। एक दिन कोई उन्होंने मेरे क्लास में आया, वो दहशत थे जैसे आते, उनका नाम खबरनामा रखा हुआ था, वो अनाउंसमेंट ही करने आते थे। वो आए तो ताबिश कहाँ है, मैंने कहा वो मैं बैठा हुआ था पीछे, आ जाइए। अब मैं समझे चलो केनिंग होनी है, मैं जुर्म नहीं पूछता था, इररेलेवेंट हो चुका था मेरे लिए कि मैंने किया क्या है, कुछ तो किया ही होगा। हाँ। मैं गया हेडमास्टर के कमरे में, और जो जैसी आदत थी कुर्सी पे मैं ना हाथ रखे यूं निकाल खड़ा हो गया, अब आएंगे मारने के लिए। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ना था, क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। उन्होंने मुझे बिठाया, बेटा ये नहीं इश्तेहार चाहिए मैगजीन में, अपने वालिद साहब को भेजिए। पहली बार मुझे इज्जत मिली और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार मतलब मैं लेकर गया देने के लिए कि आप मारेंगे, मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। नहीं नहीं मेरे नहीं, नहीं, नहीं। तो ताबीज बहुत बुरे थे तुम स्कूल में। बहुत बुरा था भाई। तो ये तो तय हो गया कि सॉरी की स्पेलिंग नहीं आती है। नहीं आती। लिखा क्या था, लिखा यार क्या था? SORRY, आई थिंक ये होती है? ये आजकल ये यार बहुत बड़ी बात की है मैंने, बहुत बड़ी बात ये मैं बता दूं, सॉरी SORRY कर दिया था, सूरी 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 शहनशाह सूरी। अच्छा लाइफ में, उर्दू में तर्जुमे कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है सवालों के, सब इंग्लिश में लिखे हुए, इंग्लिश में पूछ लूं? इंग्लिश में पूछो, मैं फिर मुझे समझ नहीं आया ना कुछ भी बोल दूंगा। जो जवाब जो समझ में आ रहा है वो जवाब दे देना भाई। सही है। व्हाट वाज द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट इन योर लाइफ? उर्दू में करके दिखा दे, बहुत मुश्किल पूछ रहा है। मैं एकदम से यार मैं एक बात बताऊं, मैं मजे की बात इंग्लिश वाली बात छिड़ी है तो मैं एक बात बताता हूँ। हम लोग मलेशिया से फ्लाई करके हम लोग श्रीलंका आए, मैं मेरा शो का डायरेक्टर मेरी वाइफ बहुत थके हुए फ्लाइट लेके हम लोग आए। अब वो एक लाइन जो इमिग्रेशन लाइन होती है उसमें लग गए एक, और बड़ा ऑफिसर तीन फूलों वाला, उसकी लाइन कम थी, मैंने कहा यहाँ लग जाओ। अच्छा श्रीलंका में मुझे किसी कमीने दोस्त ने कहा था पाकिस्तानियों की ना इज्जत है वहाँ पे ना श्रीलंका में, बहुत इज्जत करते हैं, श्रीलंका में बड़ी इज्जत है। भाई यहाँ पे ना मुंह चूमेंगे पप्पियां करेंगे, आती पाकिस्तानी पप्पी दो एक। अच्छा अब मैं लाइन में लग गया, उसने बड़ा ही कोई वो नहीं होता सख्त तेरी राणा टुंगा, उसने पासपोर्ट लिया, हरा पासपोर्ट देगा, उसकी आंखें लाल हो गई। Give me your hotel reservations. गुटका खा रहा था वो? नहीं उससे मैं, अच्छा होटल्स की टिकट दिखाओ, मैं होटल बैग खोलो होटल की बात
होटल की भी चेक करते हैं। अच्छा इत्तफाक से ना 29 तारीख तक बुक था और मेरी फ्लाइट वापसी की 2 तारीख तक थी। 3 दिन मेरे एजेंट ने कहा था मैं कोई और होटल कर दूंगा आपको ना। अब वो पूछ रहा है ये 3 दिन कहाँ हो तुम, कहाँ हो? मैंने कहा आई एम 3 डेज आई एम, मेरे मुंह से ये निकल गया आपका क्या काम है भाई आप छोड़ो आप। अरे उसके दिमाग घूम गया, उसने खड़े हो जाओ यहाँ, तीनों यहाँ खड़े हो जाओ साइड पे। अब साइड पे खड़ा मेरा डायरेक्टर बोला भाई नाजिम तेरे मुंह से गलत निकल गया कुछ। यार खुदा की कसम मेरे को तो आ ही नहीं रहा था, जो भी निकला जितनी हाजिरी थी बोल दी मैंने। अब उसने खड़ा कर दिया, अब हम यूँ खड़े हुए। अब वो बोल रहा है मैं अभी डिवोट करता हूँ, थोड़ा सा एक दो बंदे और देख लूँ तो मैं डिवोट करता हूँ वहाँ पे। मैंने कहा यार बैड सीन हो गया ये। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद जब वो यूँ देख रहा है ना हम उसे स्माइल दे रहे हैं कि यार किसी तरीके से वहाँ पे। अब मेरा वहाँ पे जो ड्राइवर है फोन कर रहा है करके देख रहा हूँ, अब उसको क्या बताऊँ कि यहाँ पे गेम हुआ हुआ है हमारे साथ। फोन पे करूंगा बैड मैनर्स, वो बोलेगा तेरे को अभी डिवोट करता हूँ बैड मैनर्स। शुक्र है हजार बार सॉरी लिखने को नहीं कह दिया, यू यू स्माइल चल रही है। मैंने वाइफ को भी कहा डायरेक्टर कंजरो स्माइल दो। अब जब सब स्माइल देने लगे ना उन्होंने कहा ये अपनी जबान में कोई गालियां चल गई। मैंने कहा यार ये वो जबान है श्रीलंका में कमाल है इतना तो हमारे यहाँ बदमाशी का रेट है भाई। अच्छा मुश्किल लफ्ज है फेमिनिज्म, एक बार बोल के भाई बहन को दिखाना है। फेमिनिज्म नहीं फेमी फेमिनिज्म नून नून अलिफ जबर नहीं नून जेर नी एस एम जाहिल आदमी फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या करना है, कहाँ है करना नहीं, आपने करना नहीं। फेमिनिज्म फेमिनिस्ट बैठी है। हाँ हाँ जल्दी बताओ। मैं बैठा हूँ तो मुझे मैं पहले सकता तुम औरत हो कोई बात नहीं। ये थ्रेडिंग नहीं कराई है तुमने? मैंने थ्रेडिंग कराने के बाद ये सही है। हाँ थ्रेडिंग मैं मेरे अंदर एक औरत है मैं निकालूंगा अभी। अच्छा कभी मोबाइल चोरी हुआ है? मोबाइल मेरा 5-6 दफा यार कराची हाइट्स आपको पता है। तालियां इस बात। और लास्ट मोबाइल चोरी की वारदात पे बताऊं वो जानता होगा नादिर भाई मोबाइल देना। खुदा की कसम उसने आके मेरा नाम लिया बोला नादिर भाई मोबाइल दे चला गया भाभी। भाभी भी कह रहे भाभी बैग खोल। अच्छा बैग भी नहीं लेके गया ना मोबाइल, बैग खोल के ना वो पर्स खोल के सामान निकाला उसने मोबाइल लिया मेरा वॉलेट बोला वॉलेट बोला नहीं पैसे दे दो बस पैसे। यार बड़ा तमीज किया चला गया तमीजदार। अच्छा अब मैं ही देख रहा हूँ उसे। हाँ मैं ही देख रहा हूँ जाते हुए। हाँ मैं कहा यार ये कोई कड़क फैन अभी कैमरा होगा कहीं लगा होगा लेकिन कैमरे वाला मोबाइल नहीं गया। ये जो हालात होते हैं मोबाइल चोरी वाले इसमें खवातीन बहुत काम एंड कलेक्टेड रहती हैं। हाँ। हमारी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो मोबाइल जो ना शोहर की तरह बात कर रहा होता है जल्दी जल्दी करो यार जल्दी मोबाइल मोबाइल। खवातीन को आदत होती है वो सुकून से निकाल हम घबरा जाते हैं हाय यार क्या हो रहा है। अच्छा मेरे साथ हुआ मोबाइल चोरी, वो आया मुझे उसने गन भी नहीं दिखाई इतना कंगे से लूट लिया नाता खान कंगे से नहीं वो सिर्फ उसने इशारा किया ये मैं समझा को भिखारी है बता रहे किडनी में स्टोन में खटखटा रहा है। हम नाता खान पे खड़े होते गंदा सा लड़का ठक ठक कर रहा है मैंने यूं देखा यूं यूं कर रहा है चलो जा और फट मारा ना उसने शीशे में क्या है भाई उतारा मैं भरम देने मोबाइल 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 मोबाइल। अच्छा कुछ दिखा नहीं रहा सिर्फ यूं यूं कर रहा है मैंने कहा भाई क्या है तो फिर उसने दिखाई। जब उसने दिखाई तो मैंने उसे नहीं आप छिचोरेपन के अलावा जनाब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी में क्या खसूसियत है? यार लॉयल्टी और मैं सखावत। मैं अपनी टीम और अपने जो सराउंडिंग बंदे हैं ना हाँ। वो इस बात का एतराफ़ करेंगे कि मैं देने लेने में मैं पहले दे देता हूँ पहले। हाँ पहले आप पहले ले जाओ पहले ले पहले यानी जो आपके लेफ्ट वाले और राइट वाले हैं वो खुश रहते हैं। ऐसा हुआ शुरू के दिनों में ऐसा हुआ होगा कोई किसी ने फोन यार नादिर आ जा पैसे नहीं अबे एक्सपोजर मिलेगा तुझे ऐसा हुआ होगा बहुत बार। हैरान मैं हैरत करता हूँ अभी भी कोई फोन आ जाते हैं एक्सपोजर के। अभी वो केबल पे प्रैंक्स मेरे चल रहे हैं विदाउट माय परमिशन बताइए एंड कह रहे हैं विदाउट माय परमिशन एक बार फिर बोल रहे हैं विदाउट माय परमिशन बड़ी मुश्किलों से निकला है इंग्लिश का वर्ड ये
और वो लोग क्या कह रहे हैं? विदाउट माई परमिशन. हाँ, विदाउट माई परमिशन. और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, हम आपका फेम मजीद बढ़ा रहे हैं. मैं कहा यार मजीद बढ़ा रहे, मतलब मजीद बढ़ा रहे, टेबल पे आ रहे हो मजीद. मैंने कहा तुम भाई कमाल आदमी हो भाई. आपको पता है सेलिब्रिटी बन गए आप. सेलिब्रिटी जो है ना वो एकदम जब बन जाता है तो उसको अपनी बॉडी के बारे में बड़ा कॉन्शियस हो जाता है. उसको कुछ ऑल्टर करानी हो, अल्टर करानी होती है चीजें. तो आपने कुछ सोचा है भाई मैं क्या ऑल्टर कराऊंगा? देखो पाकिस्तान में कभी खूबसूरत कॉमेडियन हिट ही नहीं हुआ, ये मेरी एक आज आप बात. यार मेरे को क्या समझ रहे हो? नहीं नहीं मैं आपको ये ताबिश तुम चली इसी वजह से रहे हो के बात बता क्या है. बात ये है देखो पार्ट ऑफ वर्क है. आप कुछ ऑल्टर नहीं कराओगे? थोड़ी बहुत अपनी फिटनेस रखी जाए. हाँ, बस दैट्स इट. बाकी जैसा मुंह है वही रखना है तुम. ये ठुड्डी मैं ये ठुड्डी जो तुम्हारी नाप पे टकरा रही है ना, ये वो लंबा मुंह चाहिए, लंबा लंगड़ा चौथा बस ठीक ये चाहिए. ठुड्डी मेरे टोन से टकरा रही है, ये मैंने उमर शरीफ से भी. जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा, वन वर्ड देना है. हाँ जी, वन वर्ड. पॉलिटिशियंस के बारे में पूछेंगे और हर पॉलिटिशियन के बारे में वन वर्ड. सबसे पहले जी जी इमरान खान. यार होप है, होप होप स्टिल अभी भी स्टिल अलाइव. यस क्या होप है भाई, क्या क्या उम्मीद है आपको? डिजिटल पाकिस्तान कह के बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं. हाँ. फिर उसके बाद ये जब हम ये चीज़ें सुनते हैं कि ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, तो यार या तो कर दो सब कुछ बंद, यार सब बंद खत्म कर दो, वापस पीछे वापस ले जाओ हमें पत्थरों के दौर में. आज यार फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए. हाँ आप उस पर कवानीन लगाइए, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव वो क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको तो इजाज़त होनी चाहिए यार. अब नादिर हो गए, मैं लड़की की माँ हूँ ठीक है, सख्त, बल्कि मैं ही पोटेंशियल लड़की हूँ, लेकिन बड़ी उम्र की लड़की हूँ, आप छोटी उम्र की और मुझसे आप शादी कर रिश्ता लेने आया. लेने आया रिश्ता, रिश्ता ही लड़की की माँ हो आप. लड़की मैं लड़की भी बन सकती हूँ अचानक से. हाँ ठीक है, मैं हूँ माँ है, लेकिन आप ऐसे रिश्ता लेना कि मैं बोलूँ बस मैं ही लड़की हूँ आप. ठीक है एक सेकेंड, वन टू थ्री. देख लो बोलो क्या पूरे दिन यूं ही करते रहोगे, मुझे देख देख के आहें भरते रहोगे? देख लो गर्मियां निकल गई ना, ये बच्चे भी नहीं मिलेंगे. बता रहा हूँ मेरी बात सुनो. बात बोलो मेरी बात सुनो. तुम पैदा हुए थे या छोड़े गए थे? इजाद हुआ था. इजाद. हाँ बात ये है कि तुम्हें देख के कुछ कुछ हो रहा है. कहाँ पे है? आप ये तुम मुझे क्या आउट दे रहे हो? आउट नहीं दे रहे हैं. नीचे करो अपनी. आपको कह रहा हूँ कि आ जाओ. बस सुनो तुम समझे गुलाब जामुन, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, छोटी गाड़ी है वो, मेरा सर चकराता है. कोई बात नहीं, लेट जाओ, लेट जाओ पीछे, लिटा देता हूँ तुम्हारे को, एम्बुलेंस मंगा दूं. छीपा में जाऊंगी, छीपा में जाऊंगी, लिटा देता हूँ और खुद चलाऊंगा. छीपा छीपा. हाँ, तुमसे शादी करने से पहले मरना चाहती हूँ. और वो एम्बुलेंस दो दरिया से उछाल. नादिर एक बात बताऊं, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ शो करके. थैंक यू, बहुत मजा आया. और जल्दी तारीफी कलमात तीन चार और आप लोगों के. हाँ इससे मिलने के बाद मैं इसका और बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ. और जाते जाते इस अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बहुत अच्छा लगा. अंदर का आमिर लियाकत निकल आया ना. नादिर अली लेडीज एंड जेंटलमैन. काफी लंबा एपिसोड था लेकिन बहुत बहुत मजा आया, बहुत फन एपिसोड था. मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इज गोइंग टू बी रियली लॉन्ग. कुछ कुछ पार्ट्स मैं कट करूंगी, स्पेशली बीच में जिधर मुझे ज्यादा कुछ रेफरेंस था नहीं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो वाले पार्ट्स आई विल कट इट आउट, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं डाल सकते. सो बट आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड था. एंड आई थिंक अबाउट नादिर अली, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने हम्बल है, इतने क्या बोलते हैं, ही सो डाउन टू अर्थ. उसको आई डोंट नो हाउ एल्स टू से दैट, बट ही सच अ हम्बल पर्सन. लाइक आज इस पॉइंट पे ही इज सो सक्सेसफुल. द हाइट of success that he has achieved, especially in Pakistani YouTube industry, is phenomenal. और इतना इतना ज़्यादा success होने के बाद भी इतना ज़्यादा humble हो पाना is amazing. And yeah,
All I can say is I'm a huge fan and I enjoy his videos a lot. And I want him to keep making pranks as long as he can. As he said ki 70-80 saal he is going to be around. So just I hope ki tab tak pranks aate rahe. And original link is in the top of the description. Make sure you check out the original video. Also, I would like to mention ki is show ki host Tabish Hashmi, he is also hilarious. I don't think this show would be same without him because his hosting is so funny, it is so amazing, so entertaining. Love the show. And yeah, finally I'm going. Agar aapko video acha laga hai to please make sure aap subscribe karo and notification bell bhi daba do. It is completely free. And I will see you next time. Take care. Bye bye.